सो हेलो एवरीवन, दिस इज इंद्रा हावेलकर एंड वेलकम बैक टू इंडियन रिएक्शन। गाइस, आज मैं मेजर मूवी के एक टीजर के ऊपर चलने वाली हूँ। मेजर मूवी जो है वो 26/11 जब हुआ था उस के ऊपर डिपेंडेंट है, और यहाँ पर लिखा है कि हीरो मेजर संदीप उन्नी कृष्णन, तो ये उनकी स्टोरी होगी ऑब्वियसली। एंड यहाँ पर आई थिंक पर्सपेक्टिव चेंज है, यहाँ पर हमें अलग स्टोरी देखने को मिलने वाली है, यानी कि जो 26/11 जो मूवी आई थी पहले उस जैसी ये स्टोरी नहीं होने वाली है, क्योंकि वो जो स्टोरी थी उसमें ये पूरा 26/11 का जो प्लानिंग कैसे हुआ था और क्या हुआ था, कसाब की जो पर्सपेक्टिव थी उससे लेकर और जो पुलिस वाले जो थे उससे लेकर उसके बाद क्या हुआ, वो स्टोरी थी। बहुत कमाल मूवी थी। और यहाँ पर लिखा है कि हीरो मेजर संदीप उन्नी कृष्णन, तो यहाँ पर उनकी यानी कि जो आर्मी थी उनकी दृष्टि से, उनके दृष्टिकोण, उनके पर्सपेक्टिव से स्टोरी होगी। तो मतलब इतना आइडिया आ जाता है कि यहाँ पर जो लिखा है उस हिसाब से ऐसा ही होगा। अब देखते हैं कि इसका टीजर कैसा है। Let's begin. Miss Sandeep, are you copy me? Are you there? What does it mean to be a soldier? कोई soldier क्यों बनता है? देशभक्ति बेटा, वो क्या कहते हैं, पेट्रियट्स डैड, पेट्रियट्स कहते हैं। डैड, बॉर्डर पे आर्मी को कैसे लड़ना चाहिए, इंडिया को क्रिकेट मैच कैसे जीतना चाहिए, ये सब सोचते हैं। देश से हर कोई प्यार करता है, पेट्रियोटिक बनना सबका काम है, और इन पेट्रियट्स की रक्षा करना सोल्जर का काम है। सो गाइज, ये जो टीज़र था ये बहुत ही कमाल टीज़र था, क्योंकि यू नो मैंने जैसे कहा कि यहाँ पर मेजर संदीप यहाँ पर लिखा है, मतलब उनकी स्टोरी होगी, उनका पर्सपेक्टिव होगा यहाँ पर। एंड ये बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हम लोगों ने पहले 26/11 देख लिया है, सो मेरे दिमाग में आइडिया पूरी है कि क्या होने वाला है इसमें और कैसे हुआ था। बट अब पर्सपेक्टिव चेंज है, तो मतलब जब आर्मी वहाँ पर मुंबई पहुँची थी एंड उन लोगों ने इसे कैसे हैंडल किया, और ये जो हीरो मेजर संदीप उन्नी कृष्णन है वो 26/11 को 28 नवंबर को वो शहीद हुए थे। तो दो दिन यू नो 26/11 जब स्टार्ट हुआ और उसके बाद का दिन और उसके बाद 28 को वो शहीद हुए थे, तो उनकी ये पूरी जो एक दो दिन की जो स्टोरी है वो इस मूवी में होगी। तो आई थिंक ये जो साल है इसमें बहुत सारी मूवीज आ रही है, बिकॉज 2020 में जो नहीं हो पाया था वो अभी हो रहा है, एंड OTT प्लेटफॉर्म पे सभी लोग कंफर्टेबल हो गए हैं एक्चुअली। एंड अब तो लॉकडाउन की भी यू नो चल रहा है हर जगह पर, तो फिर भी थिएटर से नहीं खुलने वाला है, ये गारंटी है। लेकिन देखते हैं क्या होता है आगे। हम लोग ये प्रे करते हैं कि जल्दी से कोरोना वायरस खत्म हो जाए, बिकॉज थिएटर में देखने की मज़ा ही कुछ और होता है एक्चुअली। OTT प्लेटफॉर्म इट्स ओके, बट मुझे तो थिएटर पसंद है एक्चुअली। सो ऐसी मूवीज थिएटर में देखने में मज़ा आ जाता है, लेकिन कोई बात नहीं। एंड मैं हमेशा कहती हूँ कि साल में एक दो मूवीज ऐसी होनी चाहिए जो देशभक्ति के ऊपर हो, बिकॉज हमें बहुत मज़ा आता है। आर्मी के सभी जवान हैं इंडिया में, सो ये एक और मूवी आ रही है हमारे लिए। और जो कास्ट है वो कास्ट बहुत कमाल है, इस ट्रेलर में बहुत चीज़ शूट भी हो रही है सभी लोग, एंड एंट्री एंड एवरीथिंग इज़ फाइन। सो ट्रेलर देखेंगे, ट्रेलर में आगे क्या स्टोरी पता चलती है, एंड उसके बाद मूवी। सो गाइज, अगर आपको ये रिएक्शन अच्छा लगा है, देन नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।